हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 22 से 26 है, मेजर पेपर 6 का कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, यानी कि मॉडल पेपर बता रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये है आपका मेजर पेपर 6 हिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो सेशन है वो 22 से 26 है, टाइम आपको 3 घंटा का मिलेगा, फुल मार्क्स आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर जो भी स्टूडेंट कर लेगा, यकीन मानो कि आपका बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मैच करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 ग्रुप में रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, देखिए जो सेक्शन ये होगा ना उसके अंतर्गत जो आपका पहला क्वेश्चन होगा ना, वो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा एक एक नंबर का। उसमें आपको एमसीक्यू नहीं रहेगा कि वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं, आपको एक एक मार्क्स का सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे, जो कि एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स का हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। इसमें आपको देखो कहीं भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तीसरा है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। चौथा है नेपोलियन कहाँ का शासक था। पाँचवा है आतंक का शासन किस सरकार के दौरान था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एक एक नंबर का ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मेजर पेपर आपका 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 तीनों का पैटर्न सेम है। ठीक है, और तीनों में आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो मेजर पेपर 6 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो और क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका नेपोलियन के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, एंड तीसरा आपका बर्लिन कांग्रेस के महत्व का वर्णन करना। ठीक है, बर्लिन कांग्रेस के महत्व का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी 5 मार्क्स का। ठीक है, पहला एक एक नंबर का 5 था, दूसरा 5 मार्क्स का, तीसरा 5 मार्क्स का, यहाँ तक आपका 15 मार्क्स का टोटल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी का, खंड बा का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। टोटल आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका टोटल 60 मार्क्स का हो जाएगा, 60 मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, देखिए फ्रांस में आतंक के राज का आलोचनात्मक वर्णन कर रहा है, ये आपका 15 मार्क्स का होगा, कम से कम 4 से प्लस पेज आपको लिखना है। ठीक है, पाँचवा है नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें। देखिए दोस्तों, MJ6 हम जो भी क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं बहुत ही सरल करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चन MJ7 भी करवा देंगे, MJ8 करवाएंगे, सारा पेपर करवा देंगे। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था इसलिए नहीं करवा पाया था। ठीक है, लेकिन अब से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपका नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जाकर के ज्वाइन कीजिए, इसका PDF वहाँ पर हम सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण पर एक निबंध लिखें। सातवां है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का विकास का वर्णन करें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साम्राज्यवाद के अर्थ और विकास के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर 1917 की रूस की क्रांति का कारणों का वर्णन करें। 9 ही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर अभी आपका 9 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरीका से आपका ये मॉडल पेपर है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।